अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं डिश आप लोगों के लेके आई हूँ वो चिकन मैक्रोनीस के है। अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। चिकन मैक्रोनीस की जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमने लिए मैक्रोनीस। इनको हम नमक और ऑयल डाल के बॉयल कर लेंगे। हमने बॉयल चिकन लिए, उसको हमने रेश कर लिए हैं। हमने चिकन स्टॉक लिया है। छोटी सी प्याज मैंने एक ली थी, उसको मैंने बारीक काट के दो हरी मिर्ची डाल के मैंने उसको पीस लिया है। आप बारीक काट के फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मैं पीस के डालूंगी। वेजिटेबल में हमें चाहिएगी शिमला मिर्च 3 अदद, हमने उनको जूलियन कटिंग कर ली है। गाजर 3 अदद, हमने उनको भी जूलियन कटिंग कर ली है। एक छोटी कैप्सिकम बंद गोभी, हमने इसको भी कटिंग कर लिया है। हमें चाहिए होगी काली मिर्चें हसबे जरूरत, मैं हाफ से भी कम लूंगी क्योंकि चिकन के स्टॉक में भी काली मिर्ची थी। लाल मिर्च भी मैं हसबे जरूरत यानी कि हाफ से भी कम लूंगी, हाफ टी स्पून से भी। नमक हसबे जरूरत, केचप 2 टेबल स्पून। हमने ये टमाटर की प्यूरी बनाई है, इसमें मैंने हसबे जरूरत हाफ टीस्पून से भी कम कुटी हुई मिर्ची डाली थी और चीनी डाल के मैंने प्यूरी तैयार कर ली। पहले मैंने टमाटर को बॉयल करके उसका छिलका उतार के ब्लेंडर में पीस लिया। और हमें ये तीनों सॉसेस चाहिए होंगी, चिली सॉस, वेनेगर एंड सोया सॉस। ये भी हम हसबे जरूरत डालेंगे। मुझे सोया सॉस ज़्यादा पसंद है मैक्रोनी स्पैगेटी और सारी राइस वगैरह में, वेजिटेबल राइस वगैरह में, तो मैं सोया सॉस का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। आइए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन के अंदर अपना मसाला डाल दिया है, जो हमने प्याज और दो हरी मिर्ची पीसी थी। इसमें हमने नमक और लाल मिर्ची डाल दी। थोड़ी सी बिल्कुल जरा सी मैं इसके अंदर हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा इसके अंदर कलर आ जाएगा, बिल्कुल जरा सी। आप चाहें तो लहसुन फ्राई करके भी बना सकते हैं। मैक्रोनीस तो बहुत सारी रेसिपी से बनती हैं, मैक्रोनी भी और स्पैगेटी वगैरह सब चीज़ें। हमने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा जरा सा लहसुन अदरक भी डाल देंगे हम। ये थोड़े से मिक्स हो जाए, थोड़ा सा जरा सा पानी खत्म कर दे, तो फिर हम इसके अंदर ऑयल डाल के इसको फ्राई करेंगे। मसाले में पानी खत्म हो गया, अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। मसाले को हम भून लेंगे। अब हम इसके अंदर चिकन स्टॉक डाल देंगे। टमाटर प्यूरी भी डाल देंगे। ये भी थोड़ा सा भुन जाएगी दोनों चीजें, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चूल्हा फुल कर देंगे, 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। ये हमारा मसाला देखें भुन गया स्टॉक और टमाटर प्यूरी के बाद भी। अब हम इसके अंदर चिकन बॉइल चिकन ऐड कर देंगे अपनी। अब हमने एक पैन के अंदर ऑयल डाला, ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया। आप इसमें तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो।
हमने इसके अंदर नॉर्मल कुकिंग ऑयल डाला है। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च डाल देंगे, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी शिमला मिर्च फ्राई हो गई है, हम इसे उतार लेंगे। हमने दोबारा से थोड़ा सा ऑयल डाला इसके अंदर, आलू पाई को गर्म कर लिया। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे अपनी। इन्हें फ्राई करेंगे। हल्का से इनको फ्राई करना है, सौते करना है, ज्यादा कुक नहीं करना। ये देखिए हमारी गाजर भी फ्राई हो गई है, हम इन्हें निकाल लेंगे। हमें दोबारा थोड़ा सा ऑयल डाला और इसके अंदर बंद गोभी डाल देंगे। इसको भी हम बिल्कुल लाइट सा फ्राई करेंगे, सॉटे करेंगे, क्योंकि ये भी ज्यादा पक जाएंगी, कुक हो जाएंगी बहुत ज्यादा, तो नरम होके अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए बस इसको तो बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है हमें। देखिए ये भी हमारी फ्राई हो गई है, इसे भी हम निकाल लेंगे। हमने चिकन के अंदर तीनों वेजिटेबल्स डालनी, मिक्स करेंगे। इतना अच्छा कलर लग रहा है चिकन का हमारी। मिक्स कर लिया हमने। हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। हम इसमें अपनी सॉसेस डालेंगे। सोया सॉस बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सोया सॉस का। हम थोड़ी चिली सॉस डालेंगे, सरका डालेंगे। हम आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे सोया सॉस अच्छी लगती है बहुत, तो मैं सोया सॉस ज़्यादा ऐड करती हूँ। मिक्स करेंगे। 2 टेबल स्पून केचप डाल देंगे। मिक्स करेंगे। हम इस मसाले के अंदर मैक्रोनीज ऐड कर लेंगे। हमने बॉइल मैक्रोनीज ऐड कर ली इसके अंदर, अब हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी मैक्रोनीज मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह से हैं। अब मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैक्रोनीज डिश आउट होने के बाद कितनी कलरफुल और कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो फौरन आपको मिल जाए। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।